तो अभी आप जैसे देख रहे हो कि दोस्तों बजट में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलिंग वाले स्मार्ट वॉच लॉन्च हो रहे हैं, और इसी बीच यहाँ पे पेबल के तरफ से और एक नई स्मार्ट वॉच लॉन्च किया गया है। ये है पेबल फ्रोस्ट प्रो, जिसपे आपको एप्पल अल्ट्रा जैसी लुक्स मिलती है, और गाइज यहाँ पे आपको 1.96 इंच की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच है ये सिर्फ 1599 रुपीज के लिए लॉन्च हुए हैं। प्राइस के हिसाब से जो स्पेक्स यहाँ पे मेंशन है वो तो डेफिनेटली काफी बढ़िया है, लेकिन रियल टाइम में कितने अच्छे हैं वो आज हम इस वीडियो में एक टेस्टिंग के साथ जानेंगे। तो जरूर से वीडियो में आखिर तक बने रहना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो दोस्तों जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ 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 में बेल आइकन को दबा देना। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू आवर चैनल डे बाय डे। तो सबसे पहले बॉक्स पैकेजिंग की बात करें तो दोस्तों ऊपर आपको पेबल की ब्रांडिंग देखने को मिलेगा, नीचे फ्रोस्ट प्रो करके मेंशन है, 1.96 इंच की बड़ी डिस्प्ले है, और गाइस यहां पर आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड, और पीछे आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएंगे ये स्मार्ट वॉच का, जो कि आगे हम आपको डिटेली बताने वाले हैं। बॉक्स टर्न की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, जिसपे आपको वेलकम कार्ड और इसके पीछे आपको ये जो एक साल की वारंटी को रजिस्टर करने के लिए क्यूआर कोड देने को मिलेगा, एक यूजर मैनुअल देने को मिलता है। और दोस्तों ये स्मार्ट वॉच के साथ आप और एक स्टाफ को क्लेम कर सकते हो, इसलिए आपको और एक कार्ड देने को मिलेगा जिसपे आपको एक क्यूआर कोड रहेगा, उसको स्कैन कर देना है। सिंपल सा लॉजिक है कि गाइस यहाँ पे आपको ये क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद ये प्रोडक्ट के बारे में अच्छे रिव्यू देने हैं और उनको स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्टाफ मिल जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा यूजफुल चीज जो मुझे लगा कि दोस्तों यहाँ पे आपको एक बाय डिफॉल्ट स्क्रीन गार्ड और इसको अप्लाई करने के लिए कुछ आपको वेट वाइप्स और ड्राई वाइप्स देने को मिलेगा, और स्मार्ट वॉच को चार्ज करने के लिए कुछ इस तरह सा डॉक स्टेशन टाइप की चार्जिंग केबल। और अभी ये स्मार्ट वॉच को हम अनरैप कर देते हैं, तो जैसे इसको अनरैप कर देते हो तो दोस्तों इसकी जो लुक्स है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा देने को मिलता है, बहुत ही प्रीमियम स्मार्ट वॉच है, और पूरी आपको मेटेलिक बिल्ड देने को मिलेगा। एक साइड आपको स्पीकर, दूसरे साइड आपको यहाँ पे माइक्रोफोन देने को मिलेगा, दो बटन दिया गया है, इसमें आपको क्राउन वाली फीचर्स भी देने को मिलता है, और नीचे वाले बटन एक्चुअली लॉक और अनलॉक के लिए काम करता है। गाइस इसमें जो सेंसर वाली पार्ट है इसकी भी क्वालिटी भी आपको अच्छा देने को मिलेगा, चार्जिंग पॉइंट्स देने को मिलते हैं, जो स्ट्रैप की क्वालिटी है ये भी आपको काफी अच्छा देने को मिलता है, काफी हार्ड है इसको निकालना मुश्किल रहेगा, लेकिन ये एक अच्छा चीज है कि दोस्तों इसी वजह से आपका जो स्ट्रैप है वो इजीली खराब नहीं होगा। इसकी जो बकल है ये भी आपको मेटेलिक देखने को मिलता है, तो गाइस जैसे आपको एप्पल अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में देखने को मिलता है उस तरह से ही आपको स्ट्रैप देखने को मिलती है, और जो लुक एंड फील भी आपको ऑलमोस्ट उसी तरह ही देखने को मिल जाएगा। ये वॉच की डिस्प्ले भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसकी जो ब्राइटनेस है ये काफी अच्छा है, अगर इसको डार्क सनलाइट पे भी यूज करते हो गाइस यहाँ पे आपको विजिबिलिटी को लेके कोई भी परेशानी नहीं होगा, और इसके रेस्ट टू वेक वाले फीचर भी बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, लेकिन जैसे हाथ को ऊपर करोगे उस टाइम पे ये ऑन होगा, हाथ को नीचे करने पे लेकिन ऑटोमेटिकली डिस्प्ले बंद नहीं होंगे, थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों इसकी स्क्रीन टाइम आउट की बात करें तो दोस्तों इस पे आपको 60 सेकंड यानी पूरी एक मिनट की टाइम लिमिट देने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये टाइम लिमिट को थोड़ा सा कम ही रखना, क्योंकि इसी वजह से जो बैटरी कंजप्शन ज्यादा होगा। और गाइस जहां पे इसकी बैटरी लाइफ की बात करें, ऑलमोस्ट सारे कॉलिंग वाले स्मार्ट वॉच को अगर आप कॉलिंग के साथ यूज करोगे ये आपको 2 दिन की बैटरी लाइफ दे सकते हैं, और ये वॉच की ये भी आपको काफी अच्छा देने को मिलेगा, रेस्पॉन्सिव है। इसकी टच की बात करें या फिर स्क्रोलिंग की बात करें ये आपको अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे आपको बताया था दोस्तों ये जो ऊपर वाले बटन में आपको डिजिटल क्राउन वाले फंक्शन देने को मिलेगा, जिस वजह से आप इसकी वॉच फेस को बदल सकते हो। अगर इसको मेनू पे ओपन करके भी यूज करना चाहोगे तो गाइस ये जो डिजिटल क्राउन वाले फीचर काम करते हैं। बाकी जैसे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट को स्वाइप करते हो इसकी वॉच फेसेस बदलते हैं। अगर यहाँ पे लेफ्ट के एज पे स्वाइप करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर वेदर की इन्फॉर्मेशन, डेट की इन्फॉर्मेशन देने को मिलेगा, देन गाइस यहाँ पे क्यूआर कोड मिलेगा जिससे इसकी जो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो, और आपको कुछ शॉर्टकट मेनू देने को मिल जाते हैं। ऊपर से नीचे को स्वाइप करने में आपको सारी क्विक टॉगल्स देने को मिलेगा, और नीचे से ऊपर करने में आपको सारी मेनूज देने को मिल जाएगा। दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे मेनू स्टाइल देने को मिलते हैं, आप अपने मर्जी से कोई भी मेनू स्टाइल को यहाँ पे अप्लाई करके यूज कर सकते हो। और ये जो नीचे वाला बटन है इससे आप इसकी जो डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हो। पहले बार जैसे ये स्मार्ट वॉच को आप रिसीव करोगे ये जो रोटेटिंग क्राउन वाली बटन है इसको प्रेस करने पे ये ऑन नहीं होगा, आपको ये नीचे वाले बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखना है, उसके बाद ये स्टार्ट होगा। और दोस्तों ये स्मार्ट वॉच की स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो गाइज यहाँ पे मेंशन था कुछ मल्टी स्पोर्ट्स मोड, तो जैसे मैंने इसको चेक किया तो गाइज यहाँ पे आपको बस 19 स्पोर्ट्स मोड
मिलते हैं उससे ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्मार्ट वॉच पे अभी बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड आते हैं लेकिन सारे यूजफुल स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे कवर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों आईपी रेटिंग की बात करें तो गाइस इसके बॉक्स पे या फिर इसकी यूजर मैनुअल पे इवन फ्लिपकार्ट के वेबसाइट में भी कोई डिटेल्स मेंशन नहीं है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों इसको जरूर से ध्यान से यूज़ करना, लेकिन अगर इसके गलती से पानी के छींटे वगैरह गिर गए तो ऐसा कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कॉलिंग वाली स्मार्ट वॉच है और ऊपर से कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं है तो जरूर से इसको थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना। और ये है वो रीफाइन एप्लीकेशन जिससे आपको ये स्मार्ट वॉच कनेक्ट करना है। दोस्तों इस पर आपको सबसे पहले हेल्थ की ओवरव्यू देने को मिलेगा जिससे आपको स्टेप काउंट, कितने कैलोरी बर्न किए, कितने डिस्टेंस कवर किए और अपने गोल अपने कितने परसेंटेज कवर किए उसकी डिटेल्स। और गाइस यहाँ पे आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप काउंट की डिटेल्स और कुछ एक्टिविटी किए होंगे उसके इन्फॉर्मेशन आपको देने को मिलेगा। देन आपको यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग देने को मिलती है और ये जो कार्ड है इसको एक्चुअली आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे डेटा देने को मिल जाएगा और स्पोर्ट्स मोड जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे ये इन अप जीपीएस जैसा ऑप्शन आपको देने को मिल जाएगा। और एंड में आपको यहाँ पे ये स्मार्ट वॉच के रिलेटेड सारी सेटिंग देने को मिलेगा जिसपे ये वॉच कनेक्टेड है या नहीं और कितना चार्जिंग है आपको देने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे आपको कॉल रिमाइंडर सेटिंग देने को मिलती है और डिवाइस सेटिंग में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा जैसे आप देख सकते हो फाइंड डिवाइस, मैसेज रिमाइंडर, अलार्म रिमाइंडर, देन आपको सेडेंटरी रिमाइंडर और गाइस जो रिमोट कंट्रोल सेल्फी है जैसे इस पर क्लिक करते हो आपको ये परमिशन दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो गाइस यहाँ पे ये सेल्फी कैमरा ऑन हो चुका है और आपके जो स्मार्ट वॉच में कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको ये स्मार्ट वॉच को इस तरह से चेक करना है उसके बाद यहाँ पे फोटो खींच जाएगा। देन आपको स्लीप मॉनिटरिंग देने को मिलेगा, ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजरमेंट देने को मिलेगा, गाइस यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब मोड देने को मिलता है, 24 आवर्स क्लॉक सेटिंग करना होगा या फिर 12 आवर्स ये ऑप्शन देने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो वाइब्रेशन मोड है इसको ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन देने को मिलता है, एक पावर सेविंग की मोड है और गाइस यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेटिंग को चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलता है। और आपका वेयरिंग मेथड क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड ये देखने को मिलेगा, सिंक्रोनाइज सिस्टम टाइम, देन आपको फैक्ट्री रीसेट, रेज योर हैंड टू ब्राइटन द स्क्रीन, ये ऑप्शन भी आपको ये सेटिंग में आपको यहाँ पे ही देखने को मिल जाता है। और ये स्मार्ट वॉच का अगर आपको डिस्कनेक्ट करना है अपने फोन से तो गाइस यहाँ पे आपको ये अनबाइंड डिवाइस ऑप्शन देने को मिल जाएगा। और ये डिवाइस सेटिंग में जैसे आप बैक जाते हैं तो दोस्तों इस पे आपको डायल ऑप्शन देने को मिल जाएगा, इस पे आपको बहुत सारे वॉच फेसेस देने को मिल जाता है ऑनलाइन बेस्ड, इनमें से आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कस्टमाइज टाइप की वॉच फेसेस लगाना होगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये DIY डायल के ऑप्शन देने को मिलता है जिसपे अगर आपको कोई भी कस्टम फोटो यूज करना है वॉच फेसेस जैसा ये ऑप्शन भी आपको देने को मिल जाएगा। देन आपको स्टेप गोल देने को मिल जाएगा और गाइस यहाँ पे इसकी जो थीम है ये एप्लीकेशन का इसको चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। और गाइस यहाँ पे आपको कुछ बैकग्राउंड प्रोटेक्शन देना होगा तो इसकी भी ऑप्शन देने को मिलेगा। देन आपको सिस्टम अथॉरिटी मैनेजमेंट का ऑप्शन देने को मिलता है और फोन बुक पे जैसे आप सिलेक्ट करोगे इस पे कुछ आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स को सेव कर सकते हो जो कि आपका स्मार्ट वॉच में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको अबाउट ऑप्शन देने को मिलता है, बहुत सारे ऑप्शन देने को मिल जाता है ये एप्लीकेशन से जिससे ये स्मार्ट वॉच पे बहुत सारे चेंजेस कर पाओगे। और इसमें भी आपको म्यूजिक कंट्रोल जैसे ऑप्शन देने को मिलते हैं जिस वजह से आप गाना को प्ले पॉज या फिर नेक्स्ट या फिर प्रीवियस कर सकते हो, कोई भी वॉल्यूम कंट्रोल जैसे फीचर्स तो देने को नहीं मिलता है। दोस्तों जैसे इसको आप अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर देते हो उसके बाद आप कोई भी गाना अपने फ़ोन से प्ले करोगे या फिर कोई भी यूट्यूब की कॉन्टेंट देखोगे तो ये स्मार्ट वॉच के स्पीकर से डायरेक्टली बजने लगता है। और अगर आपको नहीं चाहिए दोस्तों इसी स्मार्ट वॉच से ही सारा गाना प्ले हो तो उसलिए आपको यहाँ पे इसके ब्लूटूथ सेक्शन में जाना है और ये जो मीडिया ऑडियो वाली ऑप्शन है इसको डिस्कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आप जैसे कोई गाने को प्ले करोगे आपके फोन से आवाज आने लगेगा, आपका भी ये स्मार्ट वॉच से गाना आना बंद हो जाएगा। अगर आपको वापस चाहिए तो आपको सिंपली ये जो मीडिया ऑडियो वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। और ये स्मार्ट वॉच में आपको वॉइस असिस्टेंट जैसी ऑप्शन देने को मिलता है। गेम्स में आपको बस एक ही गेम देने को मिलेगा, ये 2048 गेम। अगर आपको टाइम पास करना होगा तो ये स्मार्ट वॉच पे आप ये गेम खेल सकते हो। और दोस्तों इस पे जो मुझे ज्यादा यूजफुल फीचर लगा कि दोस्तों इतने कम प्राइस पर में भी आपको कैलकुलेटर जैसे ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये स्मार्ट वॉच से आप डायरेक्टली कोई अलार्म को एडिट नहीं कर सकते हो इसलिए आपको एप्लीकेशन के ऊपर रिलाई करना होगा। और दोस्तों ये स्मार्ट वॉच में आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन जैसी फीचर्स देने को मिलता है, आपको सिंपली पासवर्ड सेटिंग में जाना है और गाइस यहाँ पे आपको कोई भी पासवर्ड सेट कर लेना है। और उसके बाद जैसे यहाँ मैं अपने स्मार्ट वॉच को बंद कर देता हूँ वापस इसको ऑन करने के लिए वो पिन कोड देना होगा, उसके बाद ही जाके ये ओपन होगा। और दोस्तों ये स्मार्ट वॉच में आपको वाइब्रेशन मोड को ऑन ऑफ करने के लिए फीचर्स देने को मिलता है लेकिन कोई भी आपको रिंग अलर्ट सेटिंग देने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये
स्मार्ट वॉच पे कोई कॉल होने पे आपका ये जो स्मार्ट वॉच ये रिंग नहीं करता है, बस ये स्मार्ट वॉच आपको वाइब्रेशन के साथ देने को मिलेगा। स्पीकर है लेकिन दोस्तों यहाँ पे कॉल होने पे कोई भी रिंगिंग वाला ऑप्शन नहीं दिया गया। ये स्मार्ट वॉच पे कोई कॉल होने पे आपको डायरेक्टली नंबर शो कराता है, कॉलर का नाम नहीं दिखाएगा, तो ये एक परेशानी आपको हो सकता है। और दोस्तों आपको यहाँ पे सिर्फ कॉल को आंसर और रिजेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलता है, और जैसे कॉल को आंसर कर देते हो बस उसके बाद यहाँ पे आप कॉल को डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन देने को मिलेगा। कोई भी आपको यहाँ पे स्मार्ट वॉच से फोन को स्विच करने का ऑप्शन या फिर म्यूट करने का ऑप्शन देने को नहीं मिलता। अरेना कॉल टेस्ट इसी टेबल फोर्स प्रो से, और इससे आपको एक अंदाजा मिल रहा होगा किसी कॉल क्वालिटी आपको रियल टाइम में कैसे मिलने वाला है। ये स्मार्ट वॉच के सेंसर आपको हार्ड सरफेस में भी रीडिंग दे देते हैं, इसलिए आप इसके सेंसर पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। बाकी ये स्मार्ट वॉच की हम बात करें तो दोस्तों डेफिनेटली 1600 रुपये के लिए जो आपको फीचर्स मिलते हैं वो काफ़ी यूजफुल है, साथ में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, और ख़ास करके बहुत जन को ये स्मार्ट वॉच इसके लुक्स के लिए चाहिए होगा, और डेफिनेटली लुक्स के मामले में ये स्मार्ट वॉच आपको काफ़ी बढ़िया देने को मिल जा रहा है। 1600 रुपये के लिए तो डेफिनेटली बढ़िया है, आगे डेफिनेटली इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको इसको खरीदना होगा तो जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए, क्योंकि अगर आपको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी डिजाइन और क्वालिटी वाली स्मार्ट वॉच जिसपे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाए ऐसी एक स्मार्ट वॉच चाहिए तो डेफिनेटली ये आपके लिए रेकमेंडेड है, आप इसको खरीद सकते हो। इसके साथ साथ कुछ कुछ जो आपको मैंने चीज बताया जो कि यहां पर इंप्रूव किया जा सकता था, उस चीज को भी जरूर से ध्यान रखना कि रियल टाइम में आपको ये कितना इंपैक्ट कर सकता है। अगर आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद आप इसको खरीद सकते हो। और भी कोई जानकारी ये स्मार्ट वॉच के बारे में अगर आपको जानना होगा, मेरे से छूट गया होगा, उसके बारे में जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई कंपैरिजन देखना होगा तो उसके बारे में बता देना। बाकी वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होगा तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज की वीडियो बस इतना ही, हम मिलते हैं आपको और कोई ऐसे नई यूजफुल वीडियो के साथ। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।